अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सैक के खास आमिल मंजली के अलहमदुल्ला से जो वीज़ा लगना भी स्टार्ट हो चुके हैं आप सब भाइयों को पता है। उसके बाद लोगों के मेडिकल एक्सपायर हो चुके थे, जिनके मेडिकल एक्सपायर हो चुके हैं तो काफ़ी भाइयों ने मुझे कमेंट भी किए हैं कि आके भाई ये जिन हमारे मेडिकल एक्सपायर हो चुके हैं क्या हमारे वीज़े लग जाएंगे या हमें नया मेडिकल कराना पड़ेगा। तो गाइज आपको एक चीज़ बता दूं कि देखें तकरीबन 4,000 3,500 4,000 गेमका की टोकन की फ़ीस और 16-17,000 मेडिकल की फ़ीस, टोटल 21 से 22 हज़ार ये हो गए और 2-4 हज़ार और लगा लें तकरीबन 25 हज़ार के लगभग एक मेडिकल कराने का खर्चा है। सही है, तो एजेंसी में तकरीबन अब जब बात करेंगे तो मैं मेडिकल हमारा एक्सपायर है भाई तो क्या करें, तो वो तकरीबन आपके आधे पैसों में आपका काम करा के देंगे, आधे पैसे आपके चार्जेस लेंगे तकरीबन। ठीक है, तो ये नहीं है कि फ्री में होगा फ्री में नहीं होगा, तकरीबन आधे पैसे आपके चार्जेस लेंगे। उसके बाद एक और चीज़ आपको बता दूँ, मशवरा भी दे दूँ, मशवरा ये अच्छा है कि यार ये आधे पैसे जो ले रहे हैं आधे पैसों में करा लेंगे आप, वो इसलिए करा लें क्योंकि देखिए अल्लाह ना करे आप मेडिकल कराते हैं उसमें आपका मसला आ जाता है और उसके अलावा ख्वारी है, ख्वारी से भी बच जाएंगे आप। तो कोशिश करें कि आधे पैसे जो चार्जेस जितना भी ले रहे हैं वो एजेंसी वाले आपके, तो उनको दे के ले दे के ये अपने मसले का हल निकलवा लें और आप जो है ना वीज़ा लगवा लें और फ़ौरन लगवा लें। ठीक है, आमिल मस्जिद सैक के खास अभी 4 महीने के बाद खुले हैं, अभी भी कुछ पता नहीं है कब तक खुलें कब तक बंद रहें, वैसे तो खुले रहेंगे इंशाल्लाह लेकिन फिर भी यार भरोसा नहीं है किसी चीज़ का। एक छोटा सा पैगाम था, काफ़ी भाई मुझे कमेंट कर रहे थे, आज सुबह सुबह उठा हूँ तो मैं फ्रेश हो गया, मैंने कहा कि आप भाई को ये पैगाम पहुँचा दूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।